कौन है? नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। फाइव वाला क्वेश्चन है। देखो पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ में कल हम लोग थ्योरी में क्या क्या अध्ययन किए थे। पहला ही अध्ययन किए थे हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग सिद्ध किए थे बहुपद का आता है, जब एक से अधिक पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है तो बहुपद कहा जाता है। कल हमने ये भी पढ़े थे कि जो बहुपद होता है कई प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद जिसके ऊपर कोई घात नहीं है, एक होता है दीर्घाती बहुपद जिसके ऊपर दो घात हो, माने अगर एक्स के ऊपर दो है, एक्स के ऊपर वाई के ऊपर दो है तब उसको दीर्घाती बहुपद कहते हैं। कल हम पढ़े थे त्रिघाती बहुपद जब कितने घात हो, तीन घात हो तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एक हम लोग पढ़े थे एक पद है जिसमें एक पद हो, द्विपद है जिसमें दो पद हो। एक पद का मतलब केवल एक्स है, द्विपद का मतलब एक्स प्लस वाई है। एक हम लोग पढ़े थे त्रिपद है जिसमें तीन पद हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो। और घात की बात किए थे हम लोग, तो घात का मतलब होता है सबसे बड़ा जो घात होगा। जैसे एक्स के ऊपर तीन आ गया प्लस एक्स स्क्वायर तो सबसे बड़ा तीन जो है ना उसी को घात के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो आज की शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आपको छांटना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं, यही आपको छांट करके क्या करना है दिखाना। तो चलो तो पहला क्वेश्चन यही है कि बहुपद को छांटें, बहुपद को क्या करना है छांटना है, माने कौन कौन बहुपद हैं कौन कौन बहुपद नहीं है वही हमें छांट करके क्या करना है बताना है कि कौन कौन से बहुपद के रूप में लिखा जा सकते हैं कौन कौन से नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें का कितना दिया है पहला, चलो हाल देखो देखो जो क्वेश्चन 1 है, 1 में आपका दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड जो क्वेश्चन है वह है y² प्लस करने में 2। थर्ड आपका है 3√t प्लस t√2। फोर्थ नंबर हमारे पास है y प्लस 2/y। फोर्थ नंबर हमारे पास है 5 नंबर कि x को ऊपर 10 प्लस y को ऊपर 3 प्लस t को ऊपर 50। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इन 500 क्वेश्चनों को बताना है कि कौन कौन से बहुपद है कौन कौन से बहुपद नहीं। बताओ पहला बहुपद है कि नहीं है, क्या कहोगे सर? बहुपद है, पहला बहुपद। हाँ तो लिख देना कि उत्तर में यह बहुपद है क्योंकि क्योंकि चार राशि कर्णी में नहीं, चार राशि कर्णी में नहीं है। तो पहला तो इतना सिंपल था, आप केवल लिख देंगे, पहले समझना तब लिखना, खूब समझो पहले। चलो ये क्या बहुपद है? उत्तर बताओ। नहीं है, पकड़ो। ये बहुपद है क्योंकि अचर राशि है ना, कल का नियम लिखा नहीं हो। अगर चर राशि होता तो हम लोग कहते बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह बहुपद है क्योंकि चर अचर राशि करणी में, अचर राशि करणी में तो रंग जो होता है करणी में अचर राशि, इसलिए बहुपद। ये बताओ बहुपद है तीसरा? टी है, टी नहीं है, नहीं है क्योंकि करणी में चर राशि है, बहुपद नहीं है लिखा जाएगा क्योंकि करणी में क्या है चर राशि लिखा जाएगा। यह बहुपद नहीं है क्योंकि करणी में कौन सी राशि है? चर राशि है। चर राशि में कौन है? टी है, देख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहेंगे बहुपद नहीं। इसका बताओ उत्तर में नहीं है क्योंकि इसका घात माइनस में आ जाएगा, माइनस में आना नहीं चाहिए। उत्तर में कहेंगे कि वाई बटा के रूप में यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका
चर राशि माइनस बट्टा के रूप में यानी अंश हाँ बट्टा लिख देना बट्टा के रूप में। अब इसका बताओ, इसका बहुपद है देखो, बहुपद तो भाई लेकिन एक पद में नहीं है, इसमें तीन पद में है, तो लिखा जाएगा कि यह एक पद में बहुपद नहीं है, यह एक पद में बहुपद नहीं है, यह तीन पद में बहुपद है, तीन पद में बहुपद है। अच्छा क्यों हम लोग तीन पद में कह रहे हैं, क्योंकि देखो एक एक्स है, एक वाई है, क्या है, टी है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक पद में बहुपद नहीं है। ये कितने पद में बहुपद है? तीन पद, तीन पद में बहुपद है। तो चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग किसके पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास, दूसरा प्रत्येक में। चलो और क्वेश्चन ही कह रहे हैं ना कि प्रत्येक प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, मैंने कह रहा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का, चलाओ नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसको भी हम पढ़ाए थे थ्योरी में कल, याद कर, बहुत सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर का देखो कहाँ कहाँ जुड़ा है, उसी को लिखना है आपको, फटाफट लिख लेना है। लगाते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। नंबर वन है क्वेश्चन में, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। नंबर टू है, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर थ्री है। नंबर फोर है, पाई अपान टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नंबर फाइव है, कली में टू एक्स माइनस वन, ठीक है। बताओ बताओ फटाफट, चलो बता सकते हो देख करके कौन कौन किसका गुणांक होगा। क्वेश्चन में अगर बताना होगा तो पहला का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, वन, देखो क्या है, वन है, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं था, कितना है, वन है, वन है। तो पहला में तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा जाएगा, दूसरा बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस वन है, तीसरा बताओ पाई बाई टू है, चौथा में कितना होगा, एक भी है ही नहीं इसमें, तो जीरो होगा चार नंबर में, बात समझ में आई। अभी चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग, चलो बढ़िया से लिखो, उत्तर लिखते हैं हम लोग, इसमें उत्तर में लिखेंगे, फिर इसके उत्तर में लिखेंगे, फिर इसके उत्तर के लिखेंगे, फिर इसके उत्तर लिख रहा है तुम लोगों का कहाँ कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखोगे, वन, वन। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस वन, माइनस वन। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई टू। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो, जीरो, कुछ नहीं है, जीरो हो जाए। पास हो गई, यार सिंपल से बात है यार, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक लिखो तो सब हट गया। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाए थ्री के पास, आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, अभी लिखना बात केवल समझ लो। अच्छा कल यही प्रश्न कह रहे हैं, 35 घात का द्विपद, देखो ना कह रहा है कि 35 घात का द्विपद, ठीक है, और 100 घात के एक पद आपको बताना है, ठीक है। 35 घात के द्विपद, जरा सोचो, माने द्विपद का मतलब पहले समझो, द्विपद का मतलब क्या होता है, इसमें दो पद होना चाहिए, देखो द्विपद का मतलब कितना होना चाहिए, दो, ये वो एक्स है वाई हो गया। अब 35 घात का होता है तो चाहे एक्स के ऊपर 35 सीख लो, चाहे वाई के ऊपर 35 सीख लो, हमने एक्स के ऊपर 35 सीख लिया, तो पहले तो इस सवाल में समझो कह रहे हैं द्विपद, तो दो पद लिख लो एक्स वाई, 35 घात का होता है तो एक्स के ऊपर 35 लिख लो, तो एक्स के ऊपर 35 प्लस वाई हो जाएगा, आई कह रहा है 100 घात एक पद, तो एक पद का मतलब खाली हो गया एक्स मान लो, और उसके ऊपर क्या लिख दो, 100 लिख दो पद, चलो लिख लेते हैं, हल कर लो इसको, अरे इतना सिंपल सवाल आपको अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। चलो भाई तो ये एक्स के ऊपर 35 एक वाई होगा, एक आंसर हो, आई क्या करें 100 के घात एक पद नो, तो एक्स के ऊपर 100 लिख लेती है आंसर, पहला भी हो जाए,
कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा, जब द्विपद कहा तो द्विपद 35 घात कर दे 135, इसमें कहा होगा एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कहा कहता है देखो कह निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। चित्रेश में प्रश्न है घात बताना, सबसे बड़ा जो मान होता है वही तो घात में होता है जी। चलो इसमें कितने क्वेश्चन दिया है, चार नंबर 1 यहाँ पर लिख लो, नंबर 2 यहाँ पर लिख लो, नंबर 3 यहाँ पर लिख लो, नंबर 4 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। चलो क्या कर दिया है, दिया गया क्वेश्चन में आपके क्या क्या लिखते हुए 5x/3 + 4x/2 + 7x लिखते हैं, 4 - y² 4 - y² 5t - 7 और है 3। अच्छा चलो खुद आप बताएंगे सर इसका घात का, याद करो हम अगर पूछे आपसे कि इसका घात कितना होगा, सबसे बड़ा इसमें कितना आ रहा है 3, तो घात में कितना लिख देंगे 3। इसमें कितना है वाई का 2 तो 2 लिख दो, इसमें कितना है, इसमें कितना है टी है ना टी, तब एक चर राशि टी को चर राशि कहते, अकेले चर राशि हो उसके ऊपर कोई घात नहीं हो तो हमेशा घात में एक मान लेते, घात में क्या मानेंगे, इसमें तो घात इसमें तो अचर राशि है ही नहीं है, चर राशि है ये नहीं है तो इसका घात कितना आ जाएगा जी। बात समझ गए, सिंपल सा नोट कर देता हूँ रखा। चलो इसके जो घात होगा कितना होगा 3, सबसे बड़ा यही तो है, इसका जो घात होगा कितना होगा 2, इसका जो घात होगा कितना होगा 3, इसका जो घात होगा वो क्या 0, इसका घात 2, इसका घात 1, इसका घात 0, बात खत्म। चलो अब आते हैं प्रश्न 5 के पास, प्रश्न किसके पास 5 के पास, प्रश्न 5 क्या कह रहा है, कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं, माने आपको बताना है कौन रैखिक है कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। चलो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें भी कितने सवाल हैं, 7 सवाल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सवाल हैं, 7 सवालों को हम लोग इधर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। तो आप इसमें आपको देखकर बताना है कौन रैखिक है कौन द्विघाती है कौन, बताओ मुझे। पहला आपका दिया गया है x² + x, सेकेंड आपका है x - x/3, थर्ड आपका है y + y² + 4, अगला आपका है 1 + x, और अगला आपका है 3t, और अगला आपका है r के ऊपर 2, और आगे बढ़ोगे 7x/3, इतना आ गया। अब क्या करोगे जरा देखते हैं, देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन 1 में क्या हो रहा है कि 5x है यहाँ से x/2 + 1 है, तो x/2 का मतलब द्विघाती, और जब x² है तो इसके ऊपर 2 घात है तो क्या लिखोगे द्विघाती, यहाँ कितना है 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा, यहाँ फिर कितने घात है 2 तो त्रिघाती हो जाएगा, फिर यहाँ कितना है एक भी घात नहीं है तो रैखिक, यहाँ भी एक भी घात नहीं है तो रैखिक, यहाँ 2 घात है तो त्रिघाती, यहाँ 3 घात है तो ऊपर देखो कितना घात है, बस बात खत्म हुई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते, याद करो यहाँ पर क्या होगा, ये द्विघाती होगा ना, द्विघाती है क्योंकि 2 घात, ये क्या है त्रिघाती क्योंकि 3 घात, ये क्या है द्विघाती, कितने घात हैं 2, और ये कितने हैं रैखिक है, कहाँ है रैखिक, और ये तो रैखिक है इसके ऊपर भी घात नहीं है, ये क्या होगा द्विघाती,
और ये क्या है? त्रिघात। ओके, समाप्त हो गया अभ्यास। अब लिख लो बढ़िया से।